हेलो दोस्तों, आप लोग देख रहे हैं डाइजन टेक और इस वीडियो में मेरी आवाज़ थोड़ी धीमी आएगी तो उसके लिए मैं सॉरी कहता हूँ। और यहाँ पे मैं इस वीडियो के अंदर बात करने वाला हूँ स्नैपड्रैगन 865 के एंटूटू स्कोर्स के बारे में। मैंने एक वीडियो बनाई है गीकबेंच स्कोर्स के बारे में, यहाँ पे मैंने एंटूटू गलती से लिख दिया था, पर यहाँ पर सच में अब एंटूटू स्कोर्स आ गए तो आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। और साथ ही साथ इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूँ कि क्या ये एप्पल के A13 बायोनिक चिप को बीट कर पाता है कि नहीं यहाँ पर। तो दोस्तों बता दूं कि ये स्कोर्स का आए कहाँ से, क्योंकि अभी तक स्नैपड्रैगन वाला ने ऑफिशियली कोई भी यहाँ पर एंटूटू स्कोर्स या तो गीकबेंच स्कोर्स लॉन्च नहीं किए हैं। तो यहाँ पे आपको पता ही होगा कि काफ़ी ज़्यादा टेक ब्लॉगर्स को, टेक यूट्यूबर्स को ये स्मार्टफोन्स मिले थे, डमी स्मार्टफोन्स जिसके अंदर स्नैपड्रैगन 865 था। तो उन्होंने कोई लोग ने कहा कि इंस्टॉल कर लिया था एंटूटू और ये स्कोर्स वहाँ से आए हैं। तो ये स्कोर्स बहुत ज़्यादातर रियल हो सकते हैं और मुझे लगता है यहाँ पर रियल है ये स्कोर्स। तो दोस्तों पहली जो आप इमेज देख रहे हैं वो एप्पल का 10R है, जिसमें आपको A12 बायोनिक चिप मिलता है। और जो दूसरी आप इमेज देख रहे हैं वो है स्नैपड्रैगन का 855 वाला OnePlus 7 Pro। और यहाँ पे तीसरी आप जो इमेज देख रहे हैं स्मार्टफोन की वो है एप्पल का iPhone 11, जिसमें आपको A13 बायोनिक चिप मिलती है। और लास्ट में जो आप फ़ोन देख रहे हैं यहाँ पे येलो कलर का दिखाया 865, यहाँ पर वही डेमो जो स्मार्टफोन सबको दिया था टेक ब्लॉगर्स को वो वाला है। तो देख सकते हैं यहाँ पे स्कोर्स आपको सामने सामने दिख रहे हैं। तो ये यहाँ पर बीट कर चुका है कि एप्पल के A13 बायोनिक चिप को। तो यहाँ पर इसका एंटूटू स्कोर्स आया है जो स्नैपड्रैगन 865 का, वो 5,47,392 आया है। और वहीं पर आप देखते हैं A13 बायोनिक चिप का, तो यहाँ पे 5,30,356 आता है। तो ये काफ़ी ज़्यादा मार्जिन से बीट तो नहीं किया, पर हाँ यहाँ बीट कर चुका है A13 चिप को। तो आपको पता है दोस्तों, कंपनी ने बोला था कि 855 से ये 25% मोर पावरफुल है, तो यहाँ पर सिर्फ 18% ही पावरफुल दिखा है, यहाँ पर 25% पावरफुल नहीं दिखा है। अब मैं बात कर लेता हूँ सिंगल कोर और मल्टी कोर के स्कोर्स के बारे में। तो ये सिंगल कोर के स्कोर में पीछे रह जाता है एप्पल से, यानी कि सिंगल कोर का जो एप्पल A13 बायोनिक चिप का स्कोर है वो 1334 है, मतलब 1304 है। और यहाँ पर 865 का जो है वो स्कोर 926 है। तो यहाँ पर सिंगल कोर में तो यार A13 को अभी भी हरा नहीं पाया है, मल्टी कोर में हरा चुका है। ये मल्टी कोर में स्नैपड्रैगन 865 का 3438 स्कोर है और यहाँ पे एप्पल के A13 बायोनिक चिप का 2548 स्कोर है। तो यहाँ पे सिंगल कोर में A13 बायोनिक चिप जीत जाता है और यहाँ पे मल्टी कोर में यहाँ पे स्नैपड्रैगन 865 जीत जाता है। तो दोस्तों कुछ बात कर लेता हूँ यहाँ पर कि जो स्नैपड्रैगन 865 वाला स्मार्टफोन है वो एक डमी पीस था। तो हो सकता है कि इसके स्कोर्स आगे जाके काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाए, क्योंकि यहाँ पर सॉफ्टवेयर में कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाएंगी। और अभी पता नहीं कि उसमें रैम कितनी है, रोम कितनी है, उस हिसाब से अभी जो हो सकता है कि इसकी कैपेबिलिटीज़ बढ़ जाए। अगर आपने मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो नहीं किया तो ज़रूर जाकर फॉलो कर लीजिए, टाइजन टेक को सब्सक्राइब कर लिया ऐसे ही और वीडियोज़ देखने के लिए। और तब तक चैनल को लाइक करना मत भूलिएगा। अगर आपकी कोई प्रॉब्लम है तो नीचे कमेंट कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।